बाबा की जो अव्यक्त वाणियाँ हैं, वो अव्यक्त वाणियाँ हमें संपन्न और संपूर्ण बनने का इशारा देती है। 1936 से 69 तक साकार वाणियाँ बाबा ने सुनाई, और उस पाठ के बाद अव्यक्त वाणियाँ, वो भी ये 95 की वाणी है। तो बाबा उस दृष्टि से सुनाते हैं कि मेरे बच्चे तो बेसिक कोर्स पार कर चुके हैं, अब संपन्न और संपूर्ण बनने पर पहुँचे हैं। और आज जैसे बाबा ने कहा कि भले आज भी आए हैं, छोटे भी हैं या कोई पुराने भी हैं, महारथी भी हैं, तो भी तो सबका लक्ष्य तो नंबर वन बनने का है ना। तो जब हम वाणियाँ सुनते हैं तो हमें ये समझना है कि लक्ष्य जब नंबर वन बनने का है, कि ब्रह्मा बाबा जब गद्दी से उतरे तो सेकंड नारायण हम ही बन जाए, है ना। तो जब लक्ष्य ये है तो हर एक को धारणा तो करनी पड़ेगी। भले ही बाबा तो संपन्न संपूर्ण बनने की वाणी चला रहे हैं, पर वो धारणा करनी पड़ेगी। और अगर हम आज शुरू किए हैं तो हमें सारी साकार वाणियों पर अटेंशन, फिर अव्यक्त वाणियों की बातें, सब पे अटेंशन देना होगा। अब आज बाबा हमें कहते, आज बाबा तो कह देते ब्रह्मचर्य तो है ही है ना, लेकिन कई तो अभी भी ब्रह्मचर्य की भी धारणा नहीं करते। तो हमें समझना है कि बाबा जो जिन बातों को नहीं भी कह रहे, वो अंडरस्टूड है कि ये तो है ही है ना। साकार वाणियों में तो बाबा पवित्रता माना काम जीत पहले, ये बात इतना अंडरलाइन कराते हैं। तो उस स्टेज को बाबा एज्यूम करते हैं कि हाँ, इतनी तो धारणा है बच्चों में। तब बाबा ये सूक्ष्म चेकिंग की आज बात कर रहे हैं। और बाबा सबसे पहले तो हमें पूछते हैं प्यार की सब्जेक्ट, क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं, श्रीमत की धारणा जो है, श्रीमत का पालन, वो उसका कनेक्शन प्यार की सब्जेक्ट से है। हमें बाबा से कितना प्यार है ना। क्योंकि अगर बाबा से प्यार नहीं है तो प्योरिटी तो बहुत बड़ी चीज़ लगेगी, है ना। प्यार में न्योछावर होने का सिस्टम है। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्या हम बाबा को प्यार करते हैं उतना, है ना। क्योंकि कई बच्चे तो हम देखते हैं कि मधुबन भी नहीं जाते, है ना, मधुबन जाने के लिए भी उत्सुक नहीं होते, कहते भी नहीं कि हमें मधुबन जाना है। तो क्या बाबा से प्यार है ना, ये भी हमें देखना है। या रोज़ मुरली पर भी अटेंशन नहीं देते, तो पहले तो प्यार है या नहीं वो चेक करें। आज तो बाबा कहते प्यार है तो मधुबन तो पहुंच जाते हैं, तो जिसको प्यार होगा वो तो बाबा के घर पहुंचेगा। लेकिन अगर वो स्टेज भी नहीं है कि मधुबन जाने के लिए भी इच्छा होती हो या दिल होती हो कि हम मधुबन जाएं, तो फिर प्यार कहाँ है ना। तो वो भी चेक करना है ना। जहाँ नज़दीक सुविधा मिलती है तो हम चले जाते हैं, लेकिन कदम बढ़ाना, 4 दिन छुट्टी लेना, जाना, ये नहीं करते हैं तो प्यार का सबूत कहाँ है। तो पहले तो छोटी छोटी स्थूल बातें जो प्यार का सबूत है ना। अगर सेवा नहीं है तो प्यार का सबूत कहाँ है। कहेंगे, है ना, प्यारा बाबा, प्यारी दीदी, लेकिन जो आवश्यकता है, जो सेवा की, उसमें कभी सहयोगी नहीं बनते, तो प्यार कहाँ है। तो योग, सहयोग और मधुबन के प्रति आकर्षण, ये कुछ बहुत स्थूल निशानियाँ हैं प्यार की। अगर वो भी नहीं है तो फिर आगे की बात तो बहुत दूसरी है ना। तो पहले तो इन बातों को समझना है, क्या हम
बाबा को अपनी सुविधा से जिस समय मन किया दिन में याद करते, या अमृत वेले उठते हैं या 2 बजे से उठ के बाबा की याद में बैठते हैं, तो वो भी प्यार की निशानी है, है ना। जो निद्रा जीत नहीं बनता, बाबा के प्यार में नींद तक नहीं छोड़ी है, तो प्यार की और क्या निशानी है ना। तो इन बातों को पहले समझना, योगी बनना, सहयोगी बनना, बाबा के पास जाने के लिए इच्छा रखना, ये सारी बातें प्यार का स्थूल इंडिकेटर है। तो ये हम पहले समझें। उसके बाद बाबा कहते हैं कि प्यार जिसको है वो बाप समान बनते हैं, बाप समान बनने की का पुरुषार्थ करते हैं। अब बाप समान बनने का प्यार से क्या कनेक्शन है? तो पहली बात तो जिससे प्यार होता है उसके समान बन ही जाते हैं, है ना। ये एक नेचुरल लॉ है, क्योंकि आप सारे दिन उनके बारे में सोचेंगे, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, उनके संग का रंग ऐसा लगता है कि आप उनके जैसे बन ही जाते हैं। दूसरी बात है, जब बाबा से प्यार है तो हमारी दिल होगी कि हम सदा बाबा से मिलन मनाते रहें, और सदा बाबा से मिलन मनाने के लिए तो हमें बाप समान स्थिति चाहिए। जैसे अभी देखो, बाबा ने तो पहले साकार में मिलन मनाया, फिर अव्यक्त रूप में बाबा आए, अब बाबा कहते तुम अव्यक्त वतन में आओ और मिलो, है ना। अब तो बाबा साकार लोक में आकर नहीं मिलते, अव्यक्त स्वरूप में भी। अब बाबा कहते तुम आओ अव्यक्त वतन में और मिलो। हम मधुबन भी जाते हैं बाबा मिलन में, तो अव्यक्त स्थिति से मिलन होता है। अब बाबा कहते ब्रह्मा बाबा ने तो ब्राह्मण से फरिश्ता की जर्नी की, लेकिन अगर हमने बाप समान स्थिति नहीं बनाई तो हम मिलन कैसे मनाएंगे, है ना। क्योंकि अब तो बाबा फरिश्ता रूप में वतन में बैठते और हमें वहाँ जाकर मिलना है बाप दादा से, तो अब वो स्थिति नहीं बनाई होगी तो मिलन कैसे मनाएंगे। तो इसीलिए जिसका प्यार है वो हमेशा सोचेगा कि हम मिलन मना सके, है ना। किसी का प्यार होता है किसी से, वो विदेश जाएगा तो पहले सोचेंगे फ़ोन पे बात कैसे होगी, है ना, क्या कनेक्शन लेना है, क्या रिचार्ज कराना है। तो बाबा कहते इसी प्रकार से प्यार की निशानी है कि हम अपनी तैयारी करें बाप समान स्थिति की, ताकि हम बाबा से मिलन मना सकें। अब बाबा उसमें हमें सबसे पहली बात कहते हैं, प्यार में न्योछावर होना, है ना। प्यार में जो सामने वाला चाहता है वो करना, ये निशानी है, है ना। बाबा कहते लाठी भी लगा देंगे अगर प्यार वाला ना करे जो चाहते हैं। अब बाबा कहते दुनिया में तो कहते हम अपनी जान भी आपके पीछे लुटा देंगे। बाबा कहते तुम्हारी जान तो नहीं चाहिए, क्योंकि जान तो तुम सेवा में लगाओ, लेकिन बाबा क्या चाहते हैं कि हम क्या न्योछावर करें। तो सबसे पहले बाबा कहते हैं कि कोई ना कोई एक मूल कमज़ोरी होती है, है ना। हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई एक मूल कमज़ोरी होती है, एक रूट, एक जड़, है ना। किसी के अंदर नींद है, किसी के अंदर दृष्टि वृत्ति है, किसी के अंदर, है ना, आलस्य अलबेलापन है, किसी के अंदर आसक्ति है, किसी के अंदर कुछ और कमज़ोरी है। तो ऐसे कोई ना कोई, किसी कोई धन के पिछाड़ी हमेशा बुद्धि चलती है, कोई ना कोई एक मूल कमज़ोरी हर आत्मा के अंदर होती है। और आप अपनी मूल कमज़ोरी को पहचानते हैं? कौन है जो अपनी मूल कमज़ोरी नहीं पहचानते? सब पहचानते हैं, है ना। क्योंकि जब साकार मुरलियाँ सुनते हैं तो वहीं तो एसिड डलता है ना, तो सारी बर्निंग वही होती है ना। मुरली सुनते हुए ना, तो ऐसे आराम से आधी नींद आधी आँख खुली ऐसे मुरली सुनते हैं, जैसे ही उस कमज़ोरी पे बाबा बात करते हैं आँख खुल जाती है और प्रश्न पूछना शुरू हो जाता है ना, ये क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, बाबा ऐसे क्यों कह रहे हैं, ये ऐसे ऐसे की जगह ऐसे भी तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ आपकी वो मूल कमज़ोरी ट्रिगर हो गई है ना। तो वो जो मूल कमज़ोरी है
उसके प्रति हर एक बाबा कहते हैं उसको न्योछावर करो, और बाबा कहते हैं प्यार में दे दो, है ना। भक्ति में भी क्या करते थे, सबसे प्रिय जो चीज़ होती थी कहते थे आज से इसको छोड़ दिया, है ना। कोई आलू छोड़ देते थे, कोई मीठा छोड़ देते थे कि इसको आपके पीछे छोड़ दिया। तो बाबा कहते ऐसे जो हमारी मूल कमज़ोरी है उसको हम बाप के प्यार में न्योछावर कर दें, है ना, दान दे दें। और बाबा कहते ना दान देकर वापस ना ले, ऐसा दान किया है, अभी रक्षाबंधन आ रहा है ना, हाँ, तो वो जो मूल कमज़ोरी है उसको राखी बंधवाते वक्त दान कर लेना। जिनको भी राखी पहुँचेगी भी वो अपनी मूल कमज़ोरी को दान करके राखी पहनना, है ना। ऑनलाइन भी बैठे हैं तो वो मूल कमज़ोरी बाबा को देकर और रक्षाबंधन पहनना। तो बाबा पहली बात ये कहते कि मूल कमज़ोरी को न्योछावर करो। फिर बाबा कहते कि संपूर्ण पवित्र बने हम बच्चे, ये बाबा की हमसे क्या कहेंगे, हमसे ना उम्मीद है, बाबा चाहते हैं, बाबा हमसे क्या चाहते हैं कि हम संपूर्ण पवित्र बने। और संपूर्ण पवित्रता में बाबा आज हर बच्चे के लिए जो अंडरलाइन कराते हैं, लेकिन इसमें समझ लेना कि बेसिक प्योरिटी वाली बातें बाबा एज्यूम करते हैं, ब्रह्मचर्य है, शुद्ध भोजन है, संघ की पवित्रता है, है ना, अंग की पवित्रता है, ये सारी चीज़ें बाबा एज्यूम करते हैं बच्चे इतना तो कर ही रहे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं, है ना। तब बाबा कहते कि छोटी जो सूक्ष्म बात है वो है व्यर्थ संकल्प, अभी तक भी व्यर्थ संकल्पों को न्योछावर नहीं किया है। और बाबा कहते व्यर्थ संकल्प अपने चलते हैं और दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलवाने के निमित्त बनते हैं, ये दोनों इम्प्योरिटी की निशानी है। अब हम कैसे निमित्त बनते हैं किसी के व्यर्थ संकल्प चलवाने के, इसको हम थोड़ा सोचेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता कि ज्ञान मार्ग में दो बातें हैं, एक तो मुझे अपने संकल्पों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, है ना, मैं मेरे संकल्प व्यर्थ ना चले उसकी जिम्मेवारी मुझे लेनी है। लेकिन कई बार क्या होता बच्चे इसको थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं। कैसे ट्विस्ट करते हैं कि अन्य के संकल्प की जिम्मेवारी मेरी नहीं है, मैं अपने संकल्पों की जिम्मेवारी लेता हूँ, वो अपने संकल्पों की जिम्मेवारी ले, समझे, और मैं कुछ भी करूँ उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ कि उसके व्यर्थ संकल्प चले तो मेरा क्या जाता है, मैं थोड़ी जिम्मेवार हूँ उसके लिए। लेकिन इसमें, और ये बात राइट भी है कि अन्य के व्यर्थ संकल्प चले तो आप जिम्मेवार नहीं हैं, लेकिन अगर आपके कर्मों के कारण दूसरे के व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो वो आपकी जिम्मेवारी है। अगर मेरे कर्मों के कारण किसी के व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो वो मेरी जिम्मेवारी है। और बाबा आज कहते हैं कि ये प्योरिटी की सब्जेक्ट है। और प्योरिटी की सब्जेक्ट में ये बात क्यों कही जाती है, क्योंकि जब हम आत्मा पवित्र होते हैं तो पवित्र आत्मा की बुद्धि बेहद की होती है। उस आत्मा को इतना समझ में आएगा कि मेरा कौन सा कर्म, मेरे कौन से बोल दूसरे के व्यर्थ संकल्प का कारण बन रहे हैं। और अगर हमें अपने कर्मों और बोल के इम्प्लिकेशन नहीं समझ में आ रहे तो ये भी हमारे अंदर पवित्रता की कमी कही जाए, है ना। ये बाबा ने आज बहुत बढ़िया जो बात हमें समझाने की मुरली में इशारा दिया है। तो इसमें जैसे दो सिनेरियो लेते हैं, एक आत्मा है वो अमृत वेले नहीं उठी और आपके व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, वो किसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है।
वो उसकी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो पुरुषार्थ करे या ना करे उसका ठेका आपने नहीं लिया है, ठीक है ना। तो वो अगर पुरुषार्थ नहीं कर रहे और आप व्यर्थ संकल्प चला रहे तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आप उसे ठीक करो, है ना। उसको राजा बनाएंगे क्या आप? उसको राजा बनाने की जिम्मेवारी आपकी नहीं है। अगर आपके व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं आप उसे स्टॉप करो, ठीक है। लेकिन अगर आप निमित्त हैं आप इशारा दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन व्यर्थ संकल्प चलाने की उसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें जिनको जो मुझे आज थोड़ा बुद्धि में आ रहा है, जहाँ हमारे कर्मों से अन्यों के व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अब देखो, ब्राह्मण संगठन में रहते हैं, हम परिवार में रहते हैं, मानो बाथरूम एक है, आपने बाथरूम यूज़ किया, आप फ्लश नहीं कर रहे, नेक्स्ट कोई जा रहा है बाथरूम वो यूज़ कर रहा है, उसके व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो हमारे अंदर इतनी भी है ना हाइजीन का भी सेंस नहीं है, है ना, इतनी समझ भी नहीं है कि हम बाथरूम यूज़ करके फ्लश करें, है ना। मैं आपको बहुत बेसिक बातें बताती हूँ जो हम देखते हैं। दूसरा, आप नहाए, चारों तरफ आपने बाल बिखरा रखे, आप वाइपर तक नहीं मारते, आपके बाद कोई बाथरूम जाता है तो आपको दुआएं नहीं देता। उसके अंदर क्या चलता है, 20 साल का ब्राह्मण है, 10 साल का ब्राह्मण है, इसको वाइपर मारना नहीं आता, है ना। वो आपके बाल बिखरे हुए उठा के और बाथरूम के डस्टबिन में डाल रहा है ना? ये सब क्या है, ये सब अपवित्रता है ना? भले हम कितना भी कहें कि हम बहुत पहुँचे हुए ब्राह्मण हैं, हम बहुत वर्षों से, अब हम संगठन में रहते हैं, कोई हमारे अपने प्राइवेट कमरे या वॉशरूम्स तो नहीं है ना। अब आप सोचो, मानो आप अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, वहाँ पर आप अटेंशन नहीं भी देते, लेकिन आप मधुबन जाते हैं, मधुबन जाते हैं, दो जने तीन जने इकट्ठे एक कमरे में रहते हैं, और ये आदतें हैं, है ना। तो फिर किस प्रकार से कमरे में कंघी करते हैं, बाल 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 हर तरफ, सामने वाले को आते जाते फील होता है कि किस प्रकार का ब्राह्मण है। तो ये सब क्या है, ये अन्यों के व्यर्थ संकल्प चलवाने वाले कर्म हैं, और इनकी जिम्मेवारी लेनी पड़े। हम कहें कि नहीं उनके क्यों व्यर्थ संकल्प चलते, नहीं, आप शेयर्ड स्पेस में रहते हैं, आपको सोचना पड़ेगा, स्पेशली जब हम मधुबन जाते हैं ना, और अगर सेंटर पर रहते हैं तो, है ना, या वैसे भी आप ब्राह्मण रहते हैं, घर परिवार में भी रहते हैं, तो आपकी चाल चलन में और अन्यों की चाल चलन में कोई अंतर तो होना चाहिए ना। अगर इतनी बेसिक सेंस भी नहीं है तो ब्राह्मण कहे जाएंगे, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल देख के बता रही हूँ कि इतना भी समझ नहीं होती, इतनी भी धारणा नहीं होती, और व्यक्ति सोचता है हम तो बहुत बड़े ज्ञानी योगी हैं। दूसरी बात देखो, हम मधुबन के लिए जा रहे हैं, अब आपको इकट्ठे जाना है, मानो आप एक कैब करके टैक्सी करके जा रहे हैं, आप पहुंच नहीं रहे टाइम से, आप फ़ोन भी नहीं उठा रहे, आप अपने कोई आपका आता पता कुछ नहीं है ना। अब सामने वाले के व्यर्थ संकल्प तो चलेंगे ना कि लेट हो जाएंगे या कुछ, अब उसके अंदर ये भी द्वंद्व चलता है, इनको छोड़ के चले जाएं या इनके लिए वेट करें, या ट्रेन जाने दें इनको साथ लेकर जाएं, या कैसे करें। अब ये क्या है, ये कर्म है जिनसे हम दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलवाने के निमित्त बन रहे हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि उनके व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। आप ना इन्फॉर्म कर रहे हैं, ना फ़ोन उठा रहे हैं, ना आप पहुँच रहे हैं टाइम से, यही बात मधुबन से निकलते वक्त भी होती, मधुबन से निकलते वक्त भी। अब मधुबन में कोई आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करते रहना, है ना, वो तो अपना निमित्त के साथ आपने कनेक्शन बनाया,
आप भले अपना योग किए, जैसे भी आप रहे चले ठीक है, मधुबन गए वापस आना है और आपका कोई अता पता नहीं है, और व्यक्ति आपको फ़ोन पे फ़ोन लगा रहा है, ना आप फ़ोन उठा रहे हैं, टाइम हुए जा रहा है ट्रेन का, व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा कि इनको छोड़ के जाएँ लेके जाएँ क्या करें। तो लास्ट में संकल्प कहाँ चले गए, देहधारी की तरफ। ये सब भी क्या है, ये सब व्यर्थ संकल्प चलवाने के हम निमित्त बनते हैं, है ना। आप कमरे में रहते हैं, चाबी लेकर चले गए, कमरे में तीन जने हैं, आप चाबी लेके मस्त घूम रहे हैं, वो दो बेचारे आके वेट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, किसी को वॉशरूम जाना है, किसी को कुछ करना है, वो या 10 बज चुके हैं, उसको सोना है, सुबह अमृत वेला उठना है, आप आ रहे हैं 11 बजे 11:30 बजे, है ना। तो ये सब भी क्या है, ये पाप है। इन चीज़ों को हमें समझना होता है। ऐसे ही हम जब सेंटर पे रहते हैं या हम किसी भी संगठन में रहते हैं, तो मानो आपकी शेयर्ड चाबी है, मोस्टली हॉस्टल्स में भी कोई रहते हैं या स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, तो चाबी आप अपने पास रख के घूम रहे हैं और सामने वाले के वेस्ट थॉट चल रहे हैं। ये सारे व्यर्थ संकल्पों की जिम्मेवारी हमारी अपनी होती है ना। मैं तो आपको बस मधुबन के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आज दे रही हूँ। संगठन है, बहुत जने इकट्ठे बैठे हैं, आप आना जाना बिल्कुल सामने से कर रहे हैं, है ना। मैंने सभाओं में देखा है, बड़े बड़े ऑडिटोरियम में भाई बहने उठ उठ के सामने से आते जाते, पीछे से निकले वो नहीं, सामने से निकलेंगे, सामने से एंटर करेंगे। तो हर एक का बुद्धि योग तोड़ रहे हैं ना, हर एक का बुद्धि योग बाबा से या जो भी वो क्लास सुन रहे हैं उससे टूट कर आपकी तरफ जा रहा है। ये सब व्यर्थ संकल्प चलवाने के हम निमित्त बनते हैं, है ना। लेकिन इसमें ये भी समझना होता है, मानो आपके व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं कि ये पुरुषार्थ क्यों नहीं कर रहा, ये सेवा क्यों नहीं कर, वो आपकी प्रॉब्लम है। हर आत्मा कोई राजा बनना चाहता है, कोई साहूकार बनना चाहता है, कोई प्रजा बनना चाहता है। किसी को प्रजा से राजा बनाना हमारी जिम्मेवारी नहीं, हम अपने कर्मों से प्रेरणा दे सकते हैं, कभी कभी वाणी से भी दे सकते हैं, लेकिन किसी को राजा बनाने की जिम्मेवारी हमारी नहीं है। तो अगर कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहा, कोई योग नहीं कर रहा, कोई सेवा नहीं कर रहा, तो आपके व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, उस वो डिपार्टमेंट आपके अंदर प्रॉब्लम है ना, वो आपको चेक एंड चेंज करना है। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इस पे हमें अटेंशन देना है कि हम ऐसे कर्म तो नहीं कर रहे जिससे अन्यों के व्यर्थ संकल्प चलवाने के हम निमित्त बनते हैं। ये कर्मों की बात है ना, ये कर्म मैंने बताए। इसके बाद होते हैं अपनी वाचा से दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलवाना, है ना, वाचा से दूसरे के व्यर्थ संकल्प चलवाना। मानो आप किसी आत्मा को, है ना, किसी आपने किसी को उन्नति के लिए इशारा दिया, उसको बुरा लगा, वो अलग बात है, वो भी उन्नति के लिए इशारा आपका रोल है देना, है ना। हम तो निमित्त आत्मा जब बैठेगी तो इशारा देना हमारा काम है, तो आपके व्यर्थ संकल्प चले वो अलग बात है। लेकिन किसी भी आत्मा को अन्यथा, है ना, अपमान के बोल बोल देना, कोई ऐसे शब्द बोल देना, कोई ऐसे बातें बोल देना जिससे उसके अंदर दुख पहुंचे या अपमानित महसूस करे, तो उन बातों को की जिम्मेवारी हमें लेनी पड़ती। फिर दूसरा जो उससे भी बड़ा जो सब्जेक्ट आती है, आपके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, तो आप किसी के कानों में कोई ऐसी बात डालते हैं या इस प्रकार के उसको सूचनाएं देते हैं जिससे उनके अंदर किसी तीसरे के प्रति व्यर्थ संकल्प चलते हैं, है ना। ये जो गॉसिप होती है, ये गॉसिप क्या होती है, आपको ये भी नहीं पता वो बात सत्य है या नहीं है, लेकिन आप उस बात को फैलाते जाते हैं, चाहे बोल के रूप में, मैसेज के रूप में, किसी भी रूप में, और अन्यों के व्यर्थ संकल्प चलवाते हैं। तो वो जो व्यर्थ संकल्प चलवाने के हम निमित्त बनते हैं,
वो भी पाप के खाते में जाता है। तो वाणी से, कर्मों से हमें बहुत अटेंशन देना है कि हम ब्राह्मण दूसरों के व्यर्थ संकल्प तो नहीं चलवा रहे ना, क्योंकि संगठन में रहते हैं तो अपनी ये भी प्योरिटी की सब्जेक्ट है। दूसरी बात है, देखो सेवा भी है, जिसकी जो सेवा अलॉटेड है वो तो उसको करनी पड़ेगी ना। अगर आप अपनी अलॉटेड सेवा नहीं करेंगे तो व्यर्थ संकल्प चलेंगे ना। मानो किसी को क्लास करानी है, उससे पहले आपको सफाई करके रेडी करनी, या आपको भोजन बनाकर भोग लगाकर रेडी करना है, फिर वो क्लास होगी। अगर आप टाइम से कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर सामने वाले के भी व्यर्थ संकल्प चलेंगे और उसके भी निमित्त हम बनेंगे। या तो आपने पहले ही मना कर दिया हो कि हम नहीं करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन आपने जिम्मेवारी ली है तो फिर उसको टाइमली कंप्लीशन तो करना पड़ेगा ना। उसको जो जो उसकी विधि है, जो उसका समय है, उस समय सीमा के साथ, उस विधि के साथ आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें एक बहुत छोटी सी बात है, मानो आपने सबको बुलाया है क्लास के लिए 12 बजे, आप खुद 12:30 बजे आ रहे हैं ना, तो आत्माओं के संकल्प चल रहे हैं, वो अलग बात है। अगर योग का प्रोग्राम है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन मानो क्लास शुरू होनी है एक समय पर आप नहीं पहुंच रहे, तो वो भी व्यर्थ संकल्प चलवाने के हम निमित्त बन रहे हैं। तो टाइम को अटेंशन देना, कोई भी सेवा है, कहीं पहुंचना है, अगर हम टाइम से अपना कार्य नहीं करेंगे, पहुंचेंगे नहीं। मुझे याद है एक माता को एक बार एक सेवा दी, तो पहले तो वो मुझे महीनों तक बोलती रही, बच्चों का प्रोग्राम मैं बहुत अच्छा कराती हूँ दीदी, बच्चों का प्रोग्राम बहुत अच्छा कराती हूँ। तो हमने सोचा बच्चों का प्रोग्राम है, एक सेशन उनको भी दे, बोलते हैं कराने के लिए, तो दे दिया। 3 दिन का प्रोग्राम था, पहले दिन आई, दूसरे दिन 6 बजे सेशन शुरू होना है शाम का, 6:05 हो गए, माता आई नहीं। तो मैंने फ़ोन किया, क्या हो गया, कितनी देर में आ रहे हो, आज तो मैं आ नहीं पाऊँगी, फलाना फलाना चीज़ हो गई है। तो मैंने कहा आप नहीं आ पाएंगे तो आप मुझे फ़ोन कर देते ना, फ़ोन कर देते, बता देते। तो कहते हाँ वो मैं भूल गई, तो फिर क्या कहेंगे, कुछ नहीं, फिर फ़ोन रख दिया। फिर आप देखो कितने एक तरफ आपको ये सोचना है कि प्रोग्राम कौन कराएगा, दूसरी क्योंकि हर एक की ड्यूटी तो फिक्स होती है, हर कोई उस समय पर व्यस्त है, तो अब ये भी सोचो, और फिर कितने संकल्प चल रहे हैं कि एक छोटा सा फ़ोन ही तो करना था, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन ये संकल्प चलवाने के तो निमित्त आप बन रहे हो ना, तो चलाने वाले का तो खाता बनता ही है, क्योंकि ब्राह्मण है तो फुल स्टॉप लगा लेना चाहिए, लेकिन चलवाने वाले का भी खाता बनता है, है ना। कर्म की गति बड़ी गुह्य है, इसलिए इन चीज़ों को समझ कर चलना है। सेवा दी जाती है तो जो सेवा जिसको दी गई उसको उस सेवा को विधिवत समय के साथ अपना सबमिट कर देना, ये भी एक व्यर्थ संकल्प ना चलवाने का तरीका है, है ना। और फिर वाणी से जो हम इसके उसके दिल में उल्टी सुलटी बातें डालते हैं, और उस कारण से संगम युग में ब्राह्मणों के संकल्पों को खराब करवाते हैं, ये तो महापाप है, है ना, इसको हमें समझना है। और ब्राह्मण भी क्या, देखो जब किसी बात का ना सच पता कर सकते ना झूठ, तो क्या चलेंगे, सिर्फ व्यर्थ संकल्प, है ना। तो ऐसी बातें बुद्धि में डाल देना जो सामने वाला ना कुछ कर सके, ना उसकी सत्यता को जान सके, और ना उसको फुल स्टॉप लगा सके, तो अपने अंदर सोचता ही चला जाएगा, है ना। तो ये सब क्या है, व्यर्थ संकल्प चलवाने के निमित्त बनना, और ये सब इम्प्योरिटी की निशानी। अगर हम अपने, हम कौन है, हम कर्मों के आदि मध्य अंत को जानने वाले बच्चे, हम अपने कर्मों की गति को आदि मध्य अंत जानने वाले बच्चे हैं। अगर हमें अपने कर्मों के इम्प्लिकेशंस नहीं समझ में आ रहे, हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरे ये करने से
इस आत्मा के अंदर ये संकल्प चलेंगे तो इसका मतलब मेरे अंदर उतनी बुद्धि की विशालता या दूरादेशी बुद्धि नहीं है, और वो सिंपल साइन है इम्प्योरिटी का। इम्प्योरिटी है, इसीलिए हमें समझ नहीं आ रहा। अभी मैं आपको इम्प्लिकेशंस बताती हूँ। देखो, एक अभी पीछे एक छोटी बच्ची ने, 12th की स्टूडेंट थी शायद, उसने सुइसाइड कर दिया। तो मैंने उसकी माताजी से बात हो रही थी, तो माताजी कहती हैं कि जो फ्रेंड्स थे उन फ्रेंड्स में आपस में पॉलिटिक्स हुई ना, जो भी हम इसे नहीं पूछेंगे, ये अच्छी नहीं है, जो भी है। तो ओवर 1-1.5 साल तक फ्रेंड्स बात नहीं करते थे, है ना, आपस में ग्रुप बनाकर उसको जैसे अलग कर दिया। और फिर एक फ्रेंड थी, उससे वो बात करती थी, तो उसको भी सबने घेर के और इसके विरुद्ध कर दिया। तो ये जो लड़की थी, इसकी माता ने काउंसलिंग भी करवाई, इसकी कहीं ना कहीं थेरेपी भी करवाई, सब कुछ करवाया, लेकिन फिर भी वो जो बात थी वो बढ़ती चली गई और इस बहन ने सुसाइड कर दिया। अब माता मुझे कहती है कि मैं, दीदी वो तो चली गई, अब वो अलग बात है, दूसरा मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं क्या कारण बताऊं, क्योंकि बच्चे हैं। अब बच्चे आपस में रंजिश रख रहे हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल, स्कूलों में होता है, लेकिन उसके कारण ऐसा हो जाएगा तो उसके इम्प्लिकेशंस कोई समझ नहीं रहा है ना। तो आप सोचो कि कोई भी कर्म हम करते हैं, अगर हमारे अंदर मैच्योरिटी नहीं है, समझ नहीं है, तो कई बार हम उसके इम्प्लिकेशंस को जान नहीं पा रहे। छोटी छोटी बातें, सोचो क्या किया उन्होंने, कुछ भी नहीं, बस उनसे बात नहीं कर रहे थे, कोई गालियां नहीं दे रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ग्रुप बनाकर अलग कर दिया, तो बच्चे इतनी दुखी हो गई कि ऐसे चली गई। तो बाबा हमें कहते हैं, हम बच्चे इतने ऐसे नहीं है ना, नासमझ थोड़ी है, हमें अपने कर्मों के आदि मध्य अंत समझ में आते हैं, है ना। आज हम अमृत वेला उठना या ना उठना, दोनों के क्या इम्प्लिकेशंस है उसको समझते हैं कि एक एक कर्म का प्रभाव कहाँ तक जाता है। तो ऐसे बच्चे फिर अगर ये नहीं समझ पाते कि हमारे इस कर्म से इस आत्मा को या इन आत्माओं के व्यर्थ संकल्प चलेंगे, तो हमें क्या ज्ञानी तो आत्मा कहाँ जाएगा। और ज्ञानी तो आत्मा, आज बाबा ने क्या कहा, ज्ञान की धारणा का फाउंडेशन प्योरिटी है। तो अगर ज्ञानी तो आत्मा की तरह हम बिहेव नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब हमारे अंदर पवित्रता की भारी कमी है ना। तो इस सब्जेक्ट को हमें समझना है, चेक करना है। देखो, पवित्रता तो योग से आएगी, लेकिन हमारा अटेंशन योग पे क्यों नहीं होता। दवाई खाने से व्यक्ति ठीक होता है, दवाई क्यों नहीं खाता, फिजियोथेरेपी क्यों नहीं करता, एक्सरसाइज क्यों नहीं करता, क्योंकि उसको अपनी बीमारी की इंटेंसिटी नहीं समझ में आ रही। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं सर्व मर्ज का इलाज क्या है, योग। लेकिन हमारा योग पर अटेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि हम अपनी अवस्था को नहीं जान पा रहे। मैं कई बार कहती हूँ ना, रियलिटी चेक नहीं है इनको मैं और भाई बात करते हैं ना, इनको थोड़ा रियलिटी चेक नहीं है कि इनकी हालत क्या है, है ना। तो थोड़ा रियलिटी चेक मिले ना, तो थोड़ा अपने कर्मों पर अटेंशन दें। रियलिटी चेक नहीं है कि हमारी अवस्था क्या है, तो फिर सो रहे हैं, खा रहे हैं, कोई योग नहीं, कोई अटेंशन नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है मेरी हालत क्या है, है ना। देहाभिमान में उड़ते रहते हैं, है ना, हमने तो ये किया वो किया। सारी दुनिया का क्या हाल है, रेस्टिंग ऑन पास्ट लॉरल्स, पीछे जो किया उसके आधार से आज कुछ ना करने का लाइसेंस लेना ना? इस क्या करते हैं, हमारे तो
किन स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में अगर आप जाएंगे ना, वो हमारे पूर्वजों ने तो 50 साल पहले ये किया, 60 साल पहले ये किया, और आराम से खटिया में बैठे हैं, और हमारे पूर्वजों ने ये किया और वो किया, और हमारी तो कल्चर इतना ऊंचा है, संस्कृति उतनी रिच है। आप क्या कर रहे हो आज? आज क्या कर रहे हो? उसको देखते नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो रेस्टिंग ऑन पास्ट लॉरल्स वाला एक संस्कार है ना, कि पास्ट की चीज़ों पर, पास्ट की प्राप्तियों पर इतना, है ना, हमने बहुत योग किया, हमने बहुत योग किया, और मैं 6 महीने से देख रही हूँ सो रहे हैं। बहुत योग किया, बहुत योग किया, अरे तो आज क्यों नहीं करते? इतना योग किया तो आज करो ना। बाबा ने तो कहा जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, तो चारों सब्जेक्ट पर अटेंशन आज क्यों नहीं है? बाबा ने थोड़ी कहा कि तुम्हारी रिटायरमेंट हो जाएगी 30 वर्ष में, 40 वर्ष में, 60 वर्ष में, बाबा ने कहा है ना? तो अपनी रिटायरमेंट खुद सेट कर लिया। बहुत योग किया हमने तो बहुत। मुझे एक भाई आया, उसकी उसकी युगल के साथ झगड़ झगड़ के वो घर से चली गई। बच्चे ड्रिंक कर रहे हैं, भटक रहे हैं, कोई उसका कुछ घर का ठिकाना नहीं है। और मुझे कहता, हमने तो बहुत सब योग किया, अशरीरी अवस्था का योग हमने इतना इतना किया, हम तो उस समय थे जब, है ना, ये फलाना दीदी थी, दादी थी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन आज वर्तमान तो थोड़ा हालत ठीक नहीं है ना, तो थोड़ा आज की बात करें, है ना? तो क्या है, संबंध नहीं संभल रहे हैं, कर्म नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमने बहुत किया, बहुत किया, है ना? तो भले आप 5 वर्ष से आए, 10 वर्ष से आए, 15 वर्ष से आए, या 20 वर्ष से आए, या 40 वर्ष से बैठे लेकिन देखना है कि आज क्या हो रहा है, ठीक है ना? तो बाबा हमें इसीलिए कहते कि व्यर्थ संकल्प चलवाने के हम निमित्त ना बने। दूसरा, अपने व्यर्थ संकल्प ना चले। अपने व्यर्थ संकल्प किसी भी देहधारी, किसी भी परिस्थिति, किसी की देह, किसी के कर्म, किसी के स्वभाव संस्कार, किसी चीज़ के प्रति मेरे संकल्प एक्स्ट्रा नहीं चलने चाहिए, है ना? हम कार्य व्यवहार में रहते हैं, संबंध में रहते हैं, सेवा में रहते हैं, संकल्प हम चलाते हैं, है ना? हर चीज़ के लिए संकल्प चलाने पड़ते हैं, लेकिन संकल्पों की एक लिमिट होनी चाहिए ना? किसी आत्मा के बारे में भी हमें सोचना होता है। मानो देखो, कोई कोर्स के लिए आते हैं तो हम सोचते हैं कि इन्होंने ये बात अपने बारे में बताई है तो इनको कैसे समझाना है, लेकिन कितना सोचना है, कितने थॉट्स देने, क्या सारे दिन सोचते रहेंगे उस आत्मा को कैसे समझाना, है ना? वो गति सदगति में लेके जाएगा ऐसा लग रहा है ना? तो कोई आया, हर चीज़ के प्रति संकल्प तो चलते हैं ना, लेकिन जहाँ एक्स्ट्रा चलने लगे तो व्यर्थ संकल्प है ना? अपने शरीर के प्रति, दूसरे की देह के प्रति, कोई परिस्थिति के प्रति, कोई आत्मा के दुख सुख के प्रति, किसी की परिस्थिति के प्रति, हाँ ठीक है, हम रहमदिल हैं, सोचते हैं कि हाँ इनको क्या सुनाएं, क्या दें, बाबा की ऐसी क्या श्रीमत सुनाएं जो इनका कल्याण हो। वो भी अगर आप रोल में हैं, अगर आप उस रोल में नहीं हैं तो वो भी हमें चलाने की ज़रूरत नहीं है। मानो आप कोई भी सेवा में, आप भंडारे की सेवा में, तो कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, क्या बनाना है। अब आप देखो, मनुष्य क्या है, घर में रहता है तो क्या बनाना है, क्या खाना है, सारे दिन सोच रहा है। हाँ, सुबह उठते ही नाश्ता, लंच, डिनर, फिर नाश्ता ख़त्म हो गया तो लंच डिनर, है ना? लंच ख़त्म हो गया तो डिनर डिनर, फिर अगले दिन क्या बनाना है उसका भी चल रहा है। लेकिन ठीक है, भोजन क्या बनाना है वो तो सोचना पड़ता है, कितनी देर सोचना पड़ता है, कितने संकल्प जाया करते हैं ना? लेकिन अगर संकल्पों के लिए कोई लक्ष्य ही नहीं है, अगर संकल्प शक्ति से हमें सेवा करनी है, हमें अपने शांत पवित्र संकल्पों के आधार से
पवित्र सृष्टि का निर्माण करना है, अगर कॉन्शियस थिंकिंग का टारगेट ही नहीं है तो फिर नेचुरल है कि यही सब संकल्प चलेंगे। तो हमें अपनी संकल्प से सृष्टि रचनी है, ये बात बुद्धि में बैठी है ना, कि ऐसे ही व्यर्थ संकल्प। अब एक बार किसी को बोला, महीना भर हुआ था ज्ञान में चलते, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ, तो मुझे कहते फिर क्या चलाएं दीदी, क्योंकि दुनिया में तो यही है ना टाइम पास। अब क्या करें, बैठे हैं तो चाचा जी कैसे हैं, तो पिताजी कैसे, फिर चाचा जी के चाचा जी कैसे हैं, सब विचार चला लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो आत्मा को अगर लक्ष्य नहीं मिला है, इसीलिए तो बाबा अव्यक्त वाणी चला रहे हैं, तो बाबा को ये अज्यूम करते हैं, बाबा की आत्मा को लक्ष्य तो मिला हुआ है ना, कि मुझे अपने पवित्र शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्पों से पवित्र सृष्टि का निर्माण करना है। अगर इतना भी समझ में नहीं आया है तो फिर है ना मुरली का कोई एसेंस हमारी बुद्धि में नहीं बैठेगा, है ना। तो ये बाबा कहते, फिर बाबा हमें आज ज्ञानी आत्माओं को चलते चलते, है ना, क्योंकि देखो जब ये अभिमान और अपमान की बातें सुनते हैं ना, तो जो नए होते हैं ना वो कहते हैं ऐसे भी होते हैं, ऐसे कौन करता होगा, बाबा के घर में ऐसे करते होंगे, लेकिन कल वही बात खुद करते, क्योंकि चलते चलते माया क्या करती है पता नहीं चलता, है ना। मुझे याद है एक माता और उसकी बेटी आते थे, तो ऐसे एक ऐसे फार भागंती हो गए बीच में, है ना। तो उनको देखकर कहती, ऐसे कैसे बाबा को छोड़ देते हैं, ऐसे कैसे चलते हैं, इस प्रकार से कैसे सोच सकते हैं, तो ऐसे कई बातें गई। 3 महीने के बाद वो भी भागंती हो, है ना। तो फिर मुझे के फिर उसके बाद बात की, ऐसे बिजी हो गए नहीं आ पाते, तो मैंने कहा लेकिन आपको समझ में आया वो कैसे भागंती हो गए थे, ऐसे होते जैसे आप आज हुए ना, ऐसे होते, है ना। तो नए होते हैं ना तो हम सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन विशेषता जैसे ही लगाई, किसी के अंदर तन की विशेषता है, धन की है, किसी के अंदर कोई गुण है, कोई विशेषता है, कुछ भी लगाते हैं, पहले पहले तो कुछ लगाते नहीं तो सब अच्छा लगता है ना, फिर धीरे धीरे लगाते हैं, तो कुछ दिनों तक तो बाबा निमित्त भाव निर्माण भाव कर करके लगाएंगे, है ना, फिर धीरे धीरे माया कब चपेट में ले लेती पता ही नहीं चलता, फिर पहला अभिमान आता है। अभिमान क्या, मैं ही करता हूँ, मेरे बिना कैसे चलेगा, मैं ही संभाल रहा हूँ, सारे यज्ञ का बोझ मेरे ही कंधे पे है, है ना। हम नहीं होंगे तो देख लेना, हम ही कर रहे हैं, हम ही संभाल रहे हैं, इस प्रकार के बोल भी निकलने लगते हैं ना, ये अभिमान के बोल। लेकिन आपको ये बात लौकिक में भी समझ लेनी है, और अलौकिक तो है ही ईश्वरीय यज्ञ, किसी कोई काम किसी के बिना कभी नहीं रुकता, और ईश्वरीय कार्य तो कभी नहीं रुकता। यह हमारा भाग्य है कि भगवान मेरे द्वारा करवा रहा है, बाबा में इतनी शक्ति है, गूंगे से बुलवा सकता है और लूले से बोझ उठवा सकता है, इतनी शक्ति है भगवान में। इसीलिए कभी कोई ये ना सोचे मेरे बिना नहीं चलेगा, है ना। तो ये अभिमान, और दूसरा अपमान, है ना, मुझे आगे नहीं रखा, मुझे पूछा नहीं, मुझे इंचार्ज नहीं बनाया, मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ और टीम लीडर उसको बना दिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भी चलती, और फिर ऐसे करते करते दुनिया में भी कहते प्राइड हैथ अ फॉल, जहाँ अभिमान आया, अभिमान का ही दूसरा साइड अपमान की भावना भी है, तो जहाँ वो आया वहाँ आप कर्म करना छोड़ देते हैं और उससे आपकी अवन्नति होना शुरू हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते ये वाले व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलाने हैं, निमित्त भाव निर्माण भाव, रोज़ अमृत वेले अपनी सेटिंग करनी है कि ये मेरा सौभाग्य है
कि बाबा मेरे द्वारा कुछ करा रहा है। बाबा किसी के भी द्वारा करा सकता है, लेकिन ये मेरा परम सौभाग्य है कि बाबा मेरे द्वारा करा रहा है। ठीक है, ओम शांति।